हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयश्री। आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, नीम के फूल की सब्जी। ये खाने में थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, इनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नीम के फूल लिए हैं हम। इसके फूल और कुछ इसके सॉफ्ट पत्ते हैं, इसकी हम सब्जी बनाएंगे। देखिए, हमने इसको धो दिया है अच्छे से और इसको फूल को अलग कर दिया है। इसको हम अभी ये ऐसे ही साफ कर लेंगे, पूरे फूल को साफ कर लेंगे। देखिए, हमने इसको साफ कर लिया है। इसको हम धूप में भी सुखा के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने पिछले साल स्टोर करके रखा था, ये बिल्कुल खराब भी नहीं होता है। पैन हमने गरम कर लिया है। अभी इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अभी इसमें सरसों और जीरा से हम तड़का लगाएंगे। अभी 2 हरी मिर्ची को काट के इसमें डाल देंगे। एक प्याज को अभी बारीक काट के इसमें डाल देंगे। 7 से 8 कला लहसुन को भी कूट के डाल देंगे। इसे हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। देखिए, ये गोल्डन हो गया है। अभी ये नीम के फूल और पत्ते को डाल देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। धीमी आंच में इसको हम भूनेंगे। ये भून गया है अच्छे से। अभी इसमें हम 2 आलू बारीक कट के रखे थे वो डाल दिए और 1 बैंगन भी काट के रखे थे वो डाल दिए। अभी इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, वो आलू नहीं डाले, सिर्फ बैंगन से भी ये सब्जी बना सकते हैं। अब इसको हम ढक के 80% कुक होने तक पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। देखिए, ये 80% कुक हो गया है। अभी हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम इसको धीमी आंच में इसको हम भूनते रहेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। ये सब्जी हमारा पक गया है और अच्छे से भुन गया है। देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। देखिए, हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।